तो क्या बोलती है पब्लिक, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे भारत को आज़ाद होकर टोटल 78 साल हो चुके, जो कि मतलब काफ़ी ही गर्व की बात है हर भारतीय के लिए। तो भारतीय होने का गर्व एक मुझे भी है। प्रतिवर्ष की बात ही, इस वर्ष भी धारावी जा चुका करता, जो कि गणपति बप्पा की मूर्ति धारावी में विराजमान होने वाली है। और उनका हर साल उनका आगमन परलोकशॉप से किया जाता है, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ तब से। तो आज भी उनका आगमन परलोकशॉप से होने जा रहा है, और साथ ही साथ कुरलाचा महाराजा का भी आगमन है। अभी एग्जैक्ट हम लोग को पता नहीं कितनी गणपति बप्पा का आगमन होने वाले, मुझे दो गणपति बप्पा का नाम पता था तो मैंने आप सबको बता दिया। तो आज के वीडियो में आप सबको दो गणपति बप्पा की मूर्ति तो कन्फर्म दिखेगी, और एक गणपति बप्पा की मूर्ति का आगमन है जो कि गण संकुल से होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अभी मैं यहाँ से परे वर्कशॉप से धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। और आज का वीडियो देख के आप सबको कैसा लगता है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अभी तक तो उतना कुछ खास गर्दी यहाँ पे हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पूरे रास्ते का नज़ारा ना एकदम बदलने वाला है। जब मैं 2023 में आया था ना, तो उस टाइम पे मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्दी होगी, लेकिन ये देखते देखते भक्तों की गर्दी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी ना, ये जब वर्कशॉप से जब बप्पा की मूर्ति बाहर आती है ना, तो पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। आता धारावीच्या चुको करता परेल वर्कशॉप मधून आता थोडा अजून वेळ आहे, म्हणजे नाहीतरी एक तास अजून लागेल धारावीच्या चुको करता बाहेर यायला। म्हणून आम्ही चाललो आहे तिकडे गण संकुलला। हा भाई, गण संकुलला एकदम मस्त भाई, बोलो गणपती बाप्पा। आम्हाला असा ऐकायला आलाय की गण संकुल मधून कुर्लाचा महाराजा दोन तास आता गण संकुल मधून कुर्लाचा महाराजा बाहेर पडतोय। तर आम्ही सगळे लोक चाललाय गण संकुलला, आणि बाप्पाची मूर्ती कशी असणार आमच्या सगळ्याच्या मनाला असा सस्पेन्स झाला आहे। मोठा मूर्ती हा वर्षी हो, आणि लई छान आहे आणि जबरदस्त एक नंबर आहे। आणि हे गेट आपला गण संकुलचा गेट आहे ना, हो तिथून आगमन आहे, पहिला गेट आहे ना तिथून आगमन आहे। जे करी रोडच्या ब्रिजला लागतं ना जे गेट, तिथून आगमन आहे। आणि आता बाप्पाच्या पूजा चालली आहे, पूजा जसा संपणार तसे ते लोक ढोल वाजवणार, बाप्पाची मूर्ती बाहेर काढणार। तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि कमेंटमध्ये नक्कीच लिहा गणपती बाप्पा मोरया। हम लोग भागते भागते आगे गण संकुल की तरफ जा रहे थे, उतने में यहाँ पे रोड के ऊपर से एक और गणपती बाप्पा की मूर्ति गुजर रही है। आप लोग देख सकते हो नवयुग उत्सव मित्र मंडल LIC राजा, अरे गणपति बप्पा की नेरुल की है, मतलब गणपति बप्पा की मूर्ति नेरुल जाने वाली है नई मुंबई। बप्पा की मूर्ति तो कितनी प्यारी है, प्रभाल पे त्रिशूल और शिवलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरी पब्लिक यहाँ से बप्पा की एकदम प्यारी से मूर्ति को लेकर बढ़ रही है आगे, और हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे गण संकुल की तरफ, जहाँ से कुर्ला से हमारे यहाँ गणपति बप्पा की मूर्ति बस वर्कशॉप से बाहर आने ही वाली है। और मैंने अभी आपको बताया कि अंदर बप्पा की आरती चालू है। यहाँ पे सरस्वती ब्रॉडबैंड वाले लोग खड़े हो चुके हैं के साथ में, अरे करी रोड के ब्रिज के नीचे का नज़ारा इस वक्त कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे ही पप्पा की मूर्ति बाहर आएगी उसके बाद देखना कितना मजा आने वाला है। कुर्लाचा महाराजा बप्पा के दर्शन आप सबने किया, और बप्पा की मूर्ति जब एक बार लाल बाबा वाले रोड पे आएगी तब मैं आपको और अच्छे से नज़ारा दिखाऊंगा ढोल बैंजो के साथ में। फिलहाल में तो हम लोग को खाली एंटर वाला शॉट मिला,
हम लोग फटाक से एंट्री का शॉट लेके यहाँ से फटाक से आ रहे हैं आगे परे लोक शॉप की तरफ, जहाँ से धारावीचा शुरू करता पप्पा की मूर्ति निकलने वाली है। सो अभी मूर्ति निकलने के पहले की गर्दी देखो, यहाँ पे कब से भागा दौड़ी चालू है, बस थोड़ी ही देर में गणपति बप्पा की मूर्ति आएगी। पूरा ढोल बैंजो सब रेडी हो चुका है यहाँ पे, पुनेरी ढोल, थोड़ा सा इंतज़ार और। ये पूरी भक्तों की भीड़ पिछले लगभग एक घंटे से धूप में खड़ी है खाली बप्पा के इंतज़ार के लिए, सब लोग कितनी कड़क धूप में खड़े। और ये गर्दी तो कुछ नहीं है, रोड के उस साइड तक का पब्लिक खड़ी हो रही है यहाँ पे और वहाँ पे, कब से पुलिस वाले यहाँ पे मतलब कंटिन्यू रक्का वगैरह मार रहे क्योंकि गाड़ी वगैरह जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन तभी पब्लिक का जज्बा नहीं खत्म हो रहा है खाली बप्पा को देखने के लिए। बस थोड़ी देर में बप्पा की मूर्ति वहाँ से बाहर आने वाली है, जैसे ही सुनने में आया बप्पा की मूर्ति बाहर आ रही है, पूरी भागा दौड़ी मच चुकी है। देखो पब्लिक भाग रही इधर उधर, एक तो गाड़ी ऊपर से पुलिस वाले प्लस बप्पा की मूर्ति, यही सब मजे पर है लोग शॉप के। राजमुद्रा वाले लोग का भी ढोल चालू है, सुनो ढोल की आवाज़ सुनो, और बस थोड़े ही पल का इंतजार और बप्पा की मूर्ति आने वाली है। गणपति बप्पा बोलिया, राजमुद्रा वाले सभी का उत्साह देखो बप्पा की मूर्ति देखने के लिए। यहाँ से आप लोग को साइड लुक दिखता रहेगा बप्पा का, बस बहुत ही जल्द देखो 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 बप्पा की मूर्ति देखो, और पब्लिक में जोश सुनो, आवाज सबके ठीक ऊपर हो चुके, झंडा आ गया झंडा आ गया। धारावीचा सुखकर्ता अच्छा मुद्दे आज सबके सामने, ढोल की आवाज सुनो और पब्लिक का उत्साह देखो। डमरू के ऊपर गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई गई है, वाह! ऑरेंज व्हाइट ग्रीन भारत के कलर में आप उड़ाए गए, आप सबने देखा अभी वीडियो में, और बप्पा की मूर्ति देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। बप्पा की मूर्ति देखो कितनी ही ज्यादा प्यारी लग रही है। बप्पा की मूर्ति बाहर आने के बाद सब में एकदम भागा दौड़ी मच चुकी है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बप्पा की मूर्ति इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप सबने देखा डमरू के ऊपर बप्पा की मूर्ति बनाई गई है, मतलब कितनी ही प्यारी कलाकारी की गई है, पक्का बगा चांगली मूर्ति है, बगा। आणि बप्पाचा जय श्री राम, आणि बप्पाचा प्रभालवरती आम्हाला विठ्ठल भगवंताचा पण दर्शन होतो। तर तुम्ही मूर्ती बघा बप्पाची आणि कमेंट मध्ये नक्की सांगा तुम्हाला बप्पाची मूर्ती कशी लागली। मस्त मस्त बप्पा मंगल मूर्ती। बप्पा की मूर्ति धीरे धीरे करके आगे की तरफ आ रही है, और आप सब लोकेशन देखो कितनी कितना एकदम मतलब प्यारा लोकेशन लग रहा है। और गणपति बप्पा की मूर्ति धारावी 17 मतलब मुंबई 17 में लेकर जाएगी जाएगी पब्लिक धारावी का शुभ करता, धारावी शास्त्री नगर में जाएगी बप्पा की मूर्ति। बहुत प्यारी मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी मूर्ति है। अभी वर्कशॉप से बाहर निकलने टाइम पर आप सबने कितना टाइम लग गया, क्योंकि बप्पा की मूर्ति इतनी बड़ी बनाई गई है, और साथ ही साथ पीछे प्रभाल पे जब सबको विट्ठल भगवान के दर्शन हो रहे तो वो बिल्कुल अलग ही नज़ारा लग रहा है। बप्पा के हाथ में ताल भी दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो बप्पा की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। ओंकार है, धन्यवाद भाई।
लोग कहाँ गए? गिर गए सो लोग किधर है? जय जय नहीं है गणपति अप्पा मोरिया कुर्ला महाराजा गणपति अप्पा की मूर्ति अभी पहुंची बड़े लॉकशॉप के बाहर, मतलब ये रास्ते से होते हुए धीरे धीरे करके पब्लिक लेके जाएगी आगे कुर्ला की तरफ। और बप्पा की मूर्ति अब आप सब देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैंने आप लोग को बोला था एक बार रोड पर उतरने का बप्पा की मूर्ति मैं आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त ढोल ताशे नहीं बज रहे इसके लिए आपको ढोल ताशे नहीं सुना सकता हूं। लेकिन बप्पा की मूर्ति कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और साथ ही साथ अपने भारत का तिरंगा ढोल ताशे आगे बजा सुनो। बप्पा माजा कुर्ला राजा गणपति बप्पा मौर्य। अब तक हम लोग ने तीन गणपति बप्पा के दर्शन किए, कुर्ला महाराजा, धारावी का सुखो करता और एक जो नई मुंबई में गणपति बप्पा की मूर्ति जा रही थी। तो वो तीन बप्पा के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग को ऐसा पता चला कि दो मूर्ति राजन झाड़ जी के यहाँ से भी निकलने लिए, एक गणपति बप्पा की मूर्ति जो कि भांडुप जाने लिए और दूसरी गणपति बप्पा का नाम अब तक किसको मतलब पता नहीं चला है। तो अब तक आपको तीन बप्पा की मूर्ति देखिए कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और धीरे धीरे करके हमारी पूरी मंडली इधर जमा हो रही है। तो आइए एक बार सबके साथ में नारा लगाया जाए, बोलो गणपति बप्पा। मैंने आपको अभी बोला कि राजन झाड़ जी के वर्कशॉप से भी दो गणपति बप्पा का आगमन है, लेकिन उससे ही पहले यहाँ पे गण संकुल से मुंबई से मोरिया जो कि गणपति बप्पा की मूर्ति मतलब पब्लिक यहाँ से लेकर कमाटीपुरा के लिए जाने वाली है, तो उनका आगमन बस थोड़ी देर में यहाँ से शुरू होने जा रहा था। ऐसा हम लोग को बहुत सारे लोग का मतलब आप तो जानते हो कि आगमन के समय जितने भी लोग हमारे साथ में रहते हैं तो उन लोग का कोऑर्डिनेट होते रहता है कि भाई यहाँ पे आओ वहाँ पे आओ। तो इसके भागा दौड़ी के चक्कर में हम लोग फिर से आ चुके हैं गण संकुल में जहाँ से मुंबई से मोरिया गणपति बप्पा की मूर्ति निकलने लिए। और अगर हम लोग ने ये कवर किया इससे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे राजन झाड़ जी के वर्कशॉप में जाने की। तो मतलब लगभग आज भी आपको हमारे वीडियो में लगभग 4 से 5 गणपति बप्पा के दर्शन आराम से होंगे। तो आप लोग काली बप्पा की मूर्ति एकदम आराम से घर बैठे देखते रहो, जिसमें भी देख रहे हो आप टीवी में मोबाइल में एकदम प्यार से देखते रहो और वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना मत भूलना। जो जगह से कुर्ला मार या गणपति बप्पा की मूर्ति बाहर निकली थी सेम उसी जगह से वापस से मुंबई से मोरिया गणपति बप्पा की मूर्ति बाहर आ रही है। पर्दा लगा दिया गया, आप लोग देखो जैसे ही पर्दा नीचे होगा बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति देखो भारत माता की। बप्पा की मूर्ति आप सब देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। बप्पा के पीछे प्रभाल पे अखंड भारत का चित्र बनाया गया, साथ ही अलावा भारत का तिरंगा पब्लिक लहरा रही है और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी, और सभी भक्तों में अलग ही उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इतनी प्यारी बप्पा की मूर्ति देखने के बाद तो हर किसी में उत्साह आ ही जाएगा। और सबने नारा भी सुना पब्लिक का एकदम जोश भरा नारा। यहाँ से मुंबई से मोरिया के दर्शन तो आप लोग ने कर ही ले रही है। अरे मैंने आप लोग को बताया कि जो मतलब राजन झाड़ जी के वर्कशॉप से बप्पा का आगमन होने वाला है, तो अभी शायद से हम लोग का सबका एक प्लान बन रहा है यहाँ से राजन झाड़ी जी के वर्कशॉप पे जाने के लिए। वहाँ पहुँचते हैं हम लोग, देखते हैं क्या अपडेट है, बप्पा की मूर्ति आगे गई है कि नहीं, उसी हिसाब से आप सबको बताते। जब तक बोलो गणपति बप्पा मोरिया। अभी यहाँ पे पब्लिक बप्पा के सामने 8 स्तर की सलामी देगी। देखो लिखा हुआ है बप्पा यहाँ वर्षी आम से 8 स्तर आम से स्वर्ण यशस्वी होंगे। इससे हम लोग बप्पा के सामने मार के अभी ट्राई करेंगे 8 स्तर। चलो इंतजार करते पब्लिक के 8 स्तर का। गुणगान तुझे ओ ठावर नाऊ दे, चरणी तुझा है जीवन बाऊ दे। नाथ का नाद तू, भक्ति का नाद तू,
कैसे लगते हैं आप लोग को वीडियो देखने के बाद? बहुत अच्छा लगते हैं इनके वीडियो, ऐसे ही बनाते रहो आपके सपोर्ट में। धन्यवाद बाबू। आपको कैसे लगते? अच्छे लगते ना। एक बार बोलो गणपति अप्पा। गणपति अप्पा मोरिया। मुंबईचा मोरिया अच्छा। विजय असो। घरों से कहो हम हिंदू हैं। मैं हिंदू, तू हिंदू नहीं, हम हिंदू। ये देखो ऐसा जज्बाशी आजकल के हिंदू लोगों में। एक नंबर ताकि बना ना भाई। पप्पा के एक हाथ में तलवार, एक हाथ में शंख। अब पप्पा के एक हाथ में भगवान झंडा देख रहे हो, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। और पप्पा की मूर्ति इस वक्त बिल्कुल नजदीक है मेरे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर लगाने में अपनी जेद होगी है। देखो मैंने भी आप लोग को बताया था पोषा दीदी गोविंदा बदल, सब खुश एकदम। पूरा एंजॉय, पूरा एंजॉय। अभी थर लगाने में और मजा आई थी इनके सामने पप्पा के पूरा। और लोकेशन देखो सबके बीच में, पूरी पब्लिक खुश है पप्पा की मूर्ति देखने के बाद। ये ना ये रास्ते का असली अवतार है देखो, क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत सारे लोग में बताया रहेगा कि पूरे रास्ते का नजारा एकदम बदल जाता है। और जो नज़ारा बदलने का जो मतलब मेन मोटिव था ना, देखो ये था, इसको गर्दी बोलते। अरे खाली एक मूर्ति ने जब इतनी गर्दी, तो आप लोग सोचो अभी तो बहुत सारे आगमन बाकी है। 17 तारीख को परेलचा मार गया और उस दिन बहुत सारी मूर्ति है। 18 तारीख को लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि मुंबई में 160 गणपति अप्पा का आगमन होगा। तो मतलब आप लोग सोचो कि वो नज़ारा कितना भयंकर दिखेगा। ये तो खाली एक साइड का रोड पैक है, ये दूसरे साइड में जो गाड़ी दिख रही है वो साइड में आपको खाली पब्लिक दिखेगी। सब खाली इंतजार करो 17 तारीख 18 तारीख और अभी तो पूरा 15 दिन आगे बचे हुए हैं पप्पा के आगमन के लिए। बोलो गणपति अप्पा मोरिया। थर लगाने की शुरुआत यहीं पे हो रही है हमारे सामने। अरे टेम्पो में से जो पूरा उड़ाया जाता है वो भी उड़ाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आज थर की तैयारी चालू है, आप लोग देखो फाइनली सलामी होने जा रही है। Woo!
तभी मुंबई चा मोरा पप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग का जब सुनने में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि राजन झाड़ जी के यहाँ से 2 गणपति पप्पा का आगमन होने वाला है, तभी हम लोग सब लोग यहाँ से बढ़ रहे आगे राजन झाड़ जी की तरफ। अगर हम लोग कहाँ पे पप्पा के दर्शन करने के लिए मिले तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिले तो और भी ज़्यादा अच्छी बात। सब लोग साथ में बोलो गणपति पप्पा। तो मैंने जो आप लोग को बोला था राजन झाड़ जी के वर्कशॉप से गणपति पप्पा की मूर्ति निकलना लिए, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि गणपति पप्पा की एक मूर्ति निकल चुकी है, तो वो मतलब जो मूर्ति का क्लिप है वो हम लोग को शायद से प्रतीक भाई से मिल जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और उनका नाम मैं नीचे लिख के डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। और फिलहाल में जो दूसरी मूर्ति इस वक्त हमारे सामने गणपति पप्पा की खड़ी है राजन झाड़ जी के वर्कशॉप से जस्ट अभी बाहर आई, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जांबुलवाड़ी, ये मतलब पब्लिक ने टी शर्ट पहन के रखी है जांबुलवाड़ी। भाई जांबुलवाड़ी किधर आया? जांबुलवाड़ी किधर आया? जांबुलवाड़ी ये मेट्रो के इधर आया, मरीन लाइन्स, कालबा देवी रोड मरीन लाइन्स पे। ये हमारा 74th ईयर है और ये हमारा सबसे बड़ा गणपति और हमारे एरिया का पहला आगमन है, भव्य दिव्य आगमन 16 होएगा आज, आप लोग भी उसमें शामिल हो जाओ सब जन मिलके। जय महाराष्ट्र मोरया। सो आप लोग देख सकते हो अखिल जांबुलवाड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति आप सबके सामने कितनी ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। राजन झाड़ जी की मतलब बनाने की बिल्कुल कला ही अलग रहती है और वो कला आप लोग के सामने इस वक्त अखिल जांबुलवाड़ी बप्पा की मूर्ति हाथ में त्रिशूल और शस्त्र धारण किए हुए, पब्लिक पूरी ट्रॉली को एकदम अच्छे तरीके से सजा रही है ताकि बप्पा की मूर्ति यहाँ से एकदम बहुत ही धूमधाम के साथ अखिल जांबुलवाड़ी तक का पहुँच जाए जो कि मरीन लाइन्स में आ गए। अखिल चंदनवाड़ी के साइड से आसपास में गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान होती रहेगी और बप्पा की मूर्ति बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। देखते जाओ देखते जाओ गणपति बप्पा मौर्या। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अंदर की तरफ राजन झाड़ जी के वर्कशॉप में, देखते हैं कि और यहाँ से गणपति बप्पा का भी आगमन होने वाला है कि नहीं। आप लोग को ये पूरी गलियाँ तो याद आती रहेगी कि जैसे तो आना जाना अब अपना लग ही चुका है, खाली अब की बार ये है कि राजन झाड़ जी के वर्कशॉप का वीडियो का अपडेट मैंने आप सबको नहीं दिया क्योंकि मैं एक बार आया था तो यहाँ पे ज़्यादातर मूर्ति बन के तैयार नहीं हुई थी इसके लिए। और राजन झाड़ जी के वर्कशॉप की मूर्तियाँ यहाँ पर बनती है, वहीं पर यहाँ पे जो मतलब जो सोसाइटी वाले लोग हैं उन लोग भी गणपति बप्पा की मूर्ति यहीं पर सामने विराजमान करते, तो इन लोग के मंडप का काम शुरू आप लोग देख सकते हो। और अभी अजय भाई जा रहे आगे पता करने के लिए, यहाँ से जैसा भी अपडेट रहता है मैं आप सबको देता हूँ। तो राजन झाड़ जी के वर्कशॉप से अभी और कोई गणपति बप्पा का आगमन नहीं है, मैंने शायद से आपको आने के समय रास्ते में बताया कि सूरत के गणपति बप्पा का आगमन सुबह हुआ था, लेकिन वो मुझसे गलती हो गई, वो जो गणपति बप्पा की मूर्ति थी मराठा मित्र मंडल जो कि मतलब भांडुप में आता है, तो गणपति बप्पा का वहाँ का आगमन हुआ था यहाँ से। और जो अभी आप लोग ने देखा अखिल जांबुलवाड़ी, मतलब 2 आगमन यहाँ से कम्प्लीट पूरे हो चुके। गणपति बप्पा मौर्या। अखिल जांबुलवाड़ी चा राजा चा विजय असो। पीछे हमारे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की प्रतिमा लगाई गई है। चलो आज का वीडियो ख़त्म, इसी के साथ में एक आखिरी गणपति बप्पा का दर्शन करने के बाद एकदम सफलतापूर्वक एकदम प्रसन्नता के साथ आज का हमारा ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आज भी हम लोग ने बहुत सारे गणपति बप्पा के दर्शन किए और इसी तरह अभी महाआगमन फिर महाआगमन कंटिन्यू जब होना चालू होंगे तो और भी ज़्यादा मजा आएगी। तो आप लोग अपना प्यार इसी तरह वीडियो पे जैसे अब तक दिखा रहे हो उसी तरह बनाए रखो। बहुत सारे लोग से मतलब जैसी मुलाकात होती है तो उस समय काफ़ी टाइम पे वीडियो नहीं ले पाता हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप लोग के साथ और प्यार की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और आगे भी मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करते रहूँगा। बस आप लोग अपना साथ रखो, बाकी पप्पा का आशीर्वाद अगर साथ में रहेगा तो बस। आज का असर में जितना भी वीडियो देखा वो पूरा वीडियो में ना आज दिन भर हमारा साथ देने के लिए हमारे प्यारे भाई थे आणि भावना मला सकाळपासून माझ्या सोबत असतो आणि मी जिकडे जिकडे जातो ना भाऊ माझ्या सोबत येतो। भाऊ तुम्ही काय बोलणार? लय चांगलं आहे, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट जरूर करा आणि धारावीच्या सुखा करताना जरूरी व्हिडिओ बघा आणि जास्त जास्त लोकांकडे व्हिडिओ पाठवा, शेअर जरूर करा जरूर करा। चला गणपती बाप्पा मोरया। इसी के साथ में आज का वीडियो जरूरी खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सब भी हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, जय श्री राम जय श्री राम।